उनके, छोड़ो, अब बैठो यहाँ, हिलना मत, मुझे काम करना है। वाह, चंद्र टाइप्स की बाबी टाइप्स एकदम सही टाइप्स कह रही थी। देखो तो सही, ये पूजा देवी टाइप्स अपने आपको बड़ी पूर्वजी और मेनका टाइप्स बनी हुई है। चंद्र टाइप्स भाभी को जाके बताएगी अभी। भाभी भाभी रसोई में चल के तो देखो चंद्र टाइप्स ने क्या देखा है। चंद्र टाइप्स ने देखा कि कबीर और पूजा टाइप्स ना क्या कर रहे हैं, पता है क्या कर रहे हैं? ओह माय कृष्णा, चंदा टाइप्स को तो बड़ी शर्म टाइप्स आ रही है भाभी, खुद चल के देख लो। उंगली पे एक छोटा सा कट क्या लग गया तुम्हारे? तुमने तो पूरा घर ही सर पे उठा लिया है। ये देखो, नहीं नाटक करना बंद करो, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। बात करती हो, सुनो, तुम्हारा साथ दे रहा हूं उसका मतलब ये नहीं तुम्हारी हर बात मानता रहूंगा मैं। छोटी सी चोट लगी है, तुम्हारी उंगली कटी है, इसका मतलब ये तुम पूरे दिन आराम करते रहोगी तो खाना कौन बनाएगा? एंड डोंट फॉरगेट, तो मेरी बीवी हो और तुम खाना बनाओगी कि मैं तुमसे कह रहा हूं, समझी तुम? क्या हुआ? अब नहीं, कुछ नहीं। भाभी चंद्र टाइप से जब देखा था सीन चेंज टाइप था। कबीर चाची, चाची अच्छा। ओ माय कृष्णा, अरे चंदा टाइप्स की बातों पे कोई भरोसा टाइप्स क्यों नहीं कर रहा? चंदा टाइप्स ने अपनी इन बजर बट्टू टाइप्स आंखों से खुद देखा है कबीर और पूजा को चोंच टाइप्स लड़ाते हुए। यकीन करो, यकीन करो। मुझे तो आप पर पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ कि दीन ने अभी तक हार नहीं मानी है। डिवोर्स पेपर साइन करके वो सबको बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं। मैं आपसे पहले कह रही थी ना। हाँ, तूने मुझसे कहा तो था। सॉरी, लेकिन क्या है ना, चंदा टाइप्स भी ना कबीर की तरह पूजा के जाल टाइप से फंस गई थी, लेकिन चंदा टाइप्स वेरी इंटेलिजेंट, वो पूजा के जाल टाइप से बाहर आ गई। लेकिन क्या है ना, ये कबीर तो पूजा के जाल टाइप से फंसता ही जा रहा है। अरे बर्बाद टाइप्स होता ही जा रहा है। मैंने उन्हें कुछ डिस्कस करते हुए सुना था, कुछ तो प्रॉपर्टी के पेपर्स की बात कर रहे थे वो दोनों। दी के नाम पर प्रॉपर्टी करने की बात। अब मेरे पास इसका सबूत नहीं है तो मैं सबसे नहीं कह सकती ये बात, इसलिए सिर्फ आपको बता रही हूँ। हाँ, एक बार सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स दी के नाम पर हो गए ना, तो आप सब इस घर से निकाल दिए जाओगे। ओह माय कृष्णा, फिर देखना क्या करे रानी। ये जो अपना कबीर है, ये तो पूजा के प्यार टाइप्स से फंसता ही जा रहा है, और चंदा टाइप्स को भी लगता है कि कबीर पूजा के प्यार में आके अरे सब का सब, सारी प्रॉपर्टी पूजा के नाम टाइप्स कर सकता है। वही तो मैं कह रही हूँ। और फिर आप सब इस घर से निकाल दिए जाओगे, देख लो। ओह माय कृष्णा, अरे चंदा टाइप्स अब ये नहीं होने देगी। पिछली बार चंदा टाइप्स ने अपने हक की बात टाइप्स नहीं की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अरे चंदा टाइप्स का फ्यूचर है, चंदा टाइप्स के बच्चों का फ्यूचर टाइप्स है, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। बाबूजी से मैं बात करूंगी। थैंक यू रानी, थैंक यू। हाँ दादाजी को बाहर ले आओ, और सुनो उनको बताना मत कि मैं भी तुम्हारे साथ थी इसमें। बेटा कहाँ ले जा रहा है तू? मुझे बताता हूँ बाबू। बाबू वो देख, अरे
वाह क्या बात बेटा, क्या बात है, तू इस घर की रौनक वापस ले आया। दादू ये सब मैंने कुछ नहीं किया, किसी और ने किया। दादू ये सब पूजा ने किया है। अरे मेरी बच्ची, थैंक यू बेटा। देख रही हैं आप, दी ने कबीर को अंधा कर दिया है। उसे लग रहा है उसको सब कुछ मिलने वाला है, पर कबीर तो सब दी के नाम करके ही रहेगा। मैं ना कबीर भैया से अभी जाकर बात करूंगा और उनको क्लियरली बोल दूंगा कि मम्मी का, मेरा और सोनाली का हमें अपना पूरा हिस्सा चाहिए, दैट्स ऑल। क्या हो गया है तुम्हें, पागल हो गए हो क्या? हमें गुस्से से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ, अगर तुम कबीर से प्रॉपर्टी के बारे में बात करोगे तो क्या होगा? दी अलर्ट हो जाएंगी और अपनी बाजी पलट देंगी। ओ माय कृष्णा, अरे बिल्कुल सही टाइप्स कह रही है ये। सोच, अगर हमें कबीर से प्रॉपर्टी टाइप्स चाहिए तो कबीर से बात टाइप्स तो करनी पड़ेगी ना। क्यों? उफ़, मेरी प्यारी चंदा टाइप्स, आप ना बड़ी क्यूट है। थैंक यू। लेकिन प्रॉपर्टी पाने के लिए बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बताएगा कौन से तरीके की बात कर रहे हो? सुमन, मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब पूजा के बारे में अपना नजरिया बदल लेना चाहिए। मेरा नजरिया कभी नहीं बदलेगा बाऊजी। वैसे भी कुछ दिनों की बात है, उसके बाद ये हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। बचपन में तो एक आंसू क्या बहता था मेरी आंख से, आप परेशान हो जाती थी, हजार सवाल पूछती थी, क्या हुआ, क्यों रो रही, और आज मैं आपके सामने रो रही हूँ, आप मुझे इग्नोर करके जा रही, पूछ भी नहीं रही कि मैं रो क्यों रही हूँ। वो पूजा मेरी बेटी थी, इस पूजा को तो मैं जानती तक नहीं, पता नहीं ये आंसू असली है भी या नहीं। एक बात जानना चाहता हूं आपसे, कहते हैं कि दुनिया चाहे कुछ भी सोचे लेकिन एक मां को पता रहता है कि उसके बच्चे के मन में क्या चल रहा है, तो आपको क्यों नहीं नजर आ रहा कि आपकी बेटी पूजा बदल चुकी है? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और ये मेरी और मेरी बेटी के बीच की बात है। आपकी बेटी मेरी पत्नी भी है, हालांकि हम लोग डाइवोर्स फाइल कर चुके हैं अब, लेकिन डाइवोर्स हुआ नहीं है अभी, अभी भी वो मेरी पत्नी है, उसकी प्रॉब्लम आज भी मेरी प्रॉब्लम है, उसे अगर दुखी देखता हूं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कैसी बातें कर रहे हो तुम कभी, जिस लड़की ने तुम्हारी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया उसी की तरफदारी कर रहे हो तुम? और अगर इसी बात को दूसरी तरीके से देखें तो, अगर मैं कहूं कि आपकी बेटी पूजा जिसने मेरी फैमिली को बर्बाद किया, वही फैमिली दोबारा एक बार फिर से उस पे भरोसा करना चाहती है, तो आप उसकी मां होने के नाते क्यों नहीं करना चाहती भरोसा? मैंने देखा था आपकी बेटी को, वो तड़प जब उसे पता चला था कि आप जिंदा हैं, तड़पी थी वो आपसे मिलने के लिए, उसी वजह से उसने मुझसे शादी तक कर ली है।
आपको जरा सा भी महसूस नहीं हो रहा था कि आपकी बेटी बदल चुकी है? आपको दिख नहीं रहा? आंखें खोलिए प्लीज, अपने दिल की सुनिए, तल चुकी है आपकी बेटी। This is fun, हर रोज ऐसे छुप छुप के तुम्हारे रूम में आना। तुम तो कुछ बोल नहीं रही हो, कट्टी हो तो मैं चला जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं कबीर। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं पूजा, तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा मैं, कहीं नहीं। डिवोर्स पेपर्स फाइल कर दिए हमने, मुझे मेरी अपनी माँ तक नहीं अपना रही है, तुम्हारे परिवार से मैं क्या उम्मीद करूं? अच्छा, दादू को तो कुछ और कहते हुए सुना था मैंने, सपना था क्या? नहीं, दादाजी ने आज मुझे आशीर्वाद दिया, पर कबीर जब तक तुम्हारी माँ मुझे नहीं अपनाती, मुझे अपनी बहू नहीं मानती, मैं पूजा, पता है तुम सिर्फ उस बातों पे ध्यान दे रही हो जो नेगेटिव है, और मैं तुमसे उन बातों पे ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ जो पॉजिटिव है। आज दादू ने एक्सेप्ट किया है, कल माँ एक्सेप्ट करेंगी, तुम्हारी भी और मेरी भी। बस बस बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हारी मॉम के मन में ना एक स्ट्रगल चल रहा है, तुम्हारी अच्छाई को लेके, तुम्हारी बहन रानी के जहर को लेके। पता है पूजा, अगर तुमने नहीं रोका होता ना, तो अभी तक रानी की सच्चाई जाके माँ को बोल देता। कम से कम एक बेटी को तो रहने तो मेरी माँ के पास। पूजा, पता है बहुत जल्द हम दोनों बहुत करीब आने वाले हैं, ऐसी मेरी फीलिंग है। काम करो, सारी फाइल्स घर पे भिजवा दो, मैं घर पे देख लेता हूँ। कबीर भाई, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। भाई वो जब से कॉलेज ने निकाला है तो कहीं और एडमिशन तो मिल नहीं रहा, बस ऐसे ही खाली घर पे बैठा रहता हूँ। भाई मैं सोच रहा था, मतलब अगर आपकी परमिशन हो तो मैं फैक्ट्री ज्वाइन कर लूँ, एकदम वर्कर की तरह काम स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, कैसी बातें कर रहे तू? भाई है तू मेरा, फैक्ट्री में वर्कर की तरह काम करेगा? तुझे कुछ करना ही है ना, तो एक काम कर, सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर, उसके बाद एक अच्छी पोजीशन लेके ना ऑफिस ज्वाइन कर। पढ़ाई तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो चीटिंग केस की वजह से कोई कॉलेज एडमिशन ही नहीं दे रहा, तो ऐसे लगता है जैसे सब पर बोझ बन गया। पहले पापा के जाने के बाद हम सब बड़े पापा पर बोझ थे, और अब क्योंकि काम नहीं है तो आपके ऊपर बोझ हूँ। भाई प्लीज मुझे ऑफिस ज्वाइन करने दीजिए ना, प्लीज। चुप, लपड़ पड़ेगा एक, देख रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा तू। नहीं चल ठीक है, अगर तुझे फैक्ट्री ज्वाइन करनी है तो एक काम कर, मैं फैक्ट्री कॉल कर देता हूँ, वो तुझे सारे जॉब एक्सप्लेन कर देंगे, और हाँ एक केबिन में दिलवा देता हूँ तुझे। थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच। मैं जाऊं? ओह माय कृष्णा! अरे चंदा टाइप्स क्या देख रही है? हाँ, चंदा टाइप्स का बेटा टाइप्स ऑफिस टाइप्स जा रहा है। वैसे तूने ठीक ही किया कबीर, जो इसे काम धंधे टाइप्स पे लगा दिया, पढ़ना चंदा टाइप्स का बेटा, अरे पढ़ लिख के क्या टाइप्स टाइप्स कर लेता। सुन, तू जा रहा है ना, हम दोनों को ब्यूटी पार्लर टाइप्स में ड्रॉप कर देना, अपनी कार में। हाँ, मैं कर दूंगा। अरे जय, सुन सुन, अरे देखो, कबीर भैया को ट्रिक करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल कितनी बार समझाया तुम्हें कि कबीर से डायरेक्टली प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर सकते, पर तुम्हारी खोपड़ी वही की वही है। एक काम करो, कल ऑफिस जाओ और पेपर्स लेके आओ कबीर से साइन करवाने के लिए। उन्हीं पेपर्स में प्रॉपर्टी के पेपर्स भी साइन करवाने पड़ेंगे। लॉयर ने अभी तक प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवा लिए होंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हम ये सब जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत कर रहे हैं।
ओफ, तो ये बता चंदा टाइप्स को कि तेरे पास इसके अलावा कौन सा आईडिया टाइप्स है। अगर हम प्रॉपर्टी नहीं लेंगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टी पूजा को दे देगा, है ना? सही कह रहे नहीं ये? और हम आधी तो ले रहे हैं, पूरी भी तो ले सकते हैं कि नहीं? मम्मी प्लीज, पूरी नहीं लेंगे, जितना हमारा बनता है सिर्फ उतना ही लेंगे। वैसे भी अगर कबीर भैया पूजा के चक्कर में आते नहीं तो ये बवाल ही नहीं होता। अब देखते हैं तमाशा, जब जय कबीर के साइन ले लेगा। क्या हुआ कबीर? मुझे जय ने फैक्ट्री ज्वाइन कर ली, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं नहीं चाहता था कि वो फैक्ट्री ज्वाइन करे, मैं चाहता था कि पहले जय अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, उसके बाद ये सारी चीजें करे। लेकिन उसने कांड ही ऐसे करे कि सारे कॉलेजेस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया उसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं मैं? जय, सोनाली, दोनों को मैं शाइन करता हुआ देखना चाहता था फ्यूचर में। तो मैं जानता हूँ कि सोनाली तो कर लेगी, वो समझदार है, लेकिन जय में अभी भी वो बचपना है, वो नहीं समझ पाएगा अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर नहीं संभाल पाएगा वो। चाचा जब से छोड़ के गए ना चंदा चाची को, जय, सोनाली, उन दोनों को कभी भी हमारे घर में इज्जत नहीं मिली, डैड ने कभी भी इज्जत नहीं दी। पता है पूछा, जितना इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मेरा है ना, उतना ही हिस्सा उनका भी है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं अब मैं। क्या हुआ पूछा, किस बात का डर है तुम्हें? डाइवोर्स पेपर्स हम लोग साइन कर चुके हैं, डाइवोर्स पेपर्स में ये कहीं नहीं लिखा कि हम लोग हाथ भी पकड़ सकते हैं एक दूसरे का? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मन में उथल पुथल है। कैसी उथल पुथल? पूजा को लेकर के सोच रही हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। कभी कभी बहुत बोझल महसूस करती हूँ और समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ। मैं समझ सकती हूँ, आपने जिस बेटी से मिलने के लिए आप इतने सालों तड़पती रही, वो जब आपको मिली तो ऐसे दुष्ट रूप में। सोच रही हूँ क्या अभी भी वो इतनी ही दुष्ट होगी? उम्मीद करती हूँ कि वो बदल गई होगी। तो आप भी उसके झांसे में आ गई ना? खैर कोई बात नहीं, मेरा बेटा भी फंस गया, बाऊजी भी फंस गए, तो फिर आप तो उसकी माँ है ना? पर एक बात कह दूं अनुराधा जी, वो लड़की आप सबको बेवकूफ बना रही है। जानती हूँ सुमन जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, आप तो भुगत चुकी हैं। लेकिन जितनी बार भी मैं उसकी आंखों में देखती हूँ ना, और वो मुझे माँ कहकर पुकारती है ना, तो मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। देखिए, मैं किसी से भी कोई भी बात जबरदस्ती नहीं मनवा सकती, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि मैं कभी भी इस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकती, और मैं इसको कभी भी माफ नहीं करूंगी। मैं आपके साथ हूँ सुमन जी, मेरी बेटी ने आपके साथ गलत किया है, बस कभी कभी कमजोर पड़ जाती हूँ, सो अपना दर्द मैंने आपसे बांट लिया। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, पूजा ये घर छोड़कर जरूर जाएगी। जय, हाय, कैसा रहा पहला दिन? अच्छा था भाई, इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया था। हैप्पी फॉर यू।
अच्छा भाई, इन पेपर्स पे ना आपके साइन चाहिए थे, वो वर्कर्स की पेमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ है, तो मैंने पढ़ लिया। तूने पढ़ लिया ना? जी भाई, ढंग से पढ़ लिया। ग्रेट, सुपर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।